Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and good and be safe. Today moral is, confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you a successful person. It means जो confidence है, मतलब confidence और hard work एक तरह से दवा का काम करता है, और जो disease होती है ना वो क्या करता है, उसको kill करता है, उसको जो failure जो disease होती है, एक तरह से failure को क्या कहा गया है, disease कहा गया है। और जो medicine क्या है, confidence और hard work, तो वो क्या करती है, उसको kill करती है। अगर आप किसी चीज़ को confidence से और उसमें हार्ड वर्क करोगे, मतलब जी जान लगा के आप किसी चीज़ को करते हो और कोई चीज़ करते हो, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा जब आपको धीरे धीरे उसकी नॉलेज होगी। तो अगर कोई चीज़ को आप ऐसे करते हो, तो वो क्या करेगा, जो आपको फेलियर है ना, कि आपको लगेगा अगर हम फेल हो जाएंगे तो उसको क्या करेगा, मारेगा। उस डिसीज़ का मारने का, किल करने का सबसे अच्छा चीज़ क्या है, कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क। ये दो चीज़ आपको क्या करती है, सक्सेस में पहुंचा सकती है। तो इट विल मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन, यही आपको क्या कर सकती है, जो कॉन्फिडेंस है, जो आपको विश्वास है अपने ऊपर रखना है कि हम कर लेंगे, भले एक बार में नहीं कर पाओगे, दो बार में नहीं कर पाओगे, तीसरी बार में कर लोगे, बस आप कर सकते हो। अगर आप लोग अच्छा मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपका आंसर नहीं आता है, तो आप क्या निराश हो जाते हो ना, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद उसको रख के फिर से सॉल्व करो तो आंसर आता है ना। तो इसी वजह से कभी भी कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसमें मेहनत करती रहनी चाहिए, वो आपको खुद ही क्या कर लेगा, सक्सेसफुल पर्सन बना देगा। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फोर्थ चैप्टर, नेम इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपका चैप्टर 4 है। आज मैं चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, हार्डवेयर के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। हार्डवेयर क्या होती है, व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट कंप्यूटर इज़ अमेजिंग मशीन दैट कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स। इट हैज़ डिफरेंट पार्ट दैट वर्क ऑन कंप्यूटर सिस्टम। A computer system is made up of hardware and software. So, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग को पता भी है, कंप्यूटर क्या है, एक अमेजिंग मशीन है जिससे हम कोई भी डिफरेंट टाइप की वर्क को कर सकते हैं, और जिसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनका भी डिफरेंट वर्क होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम किससे बना है, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। इतना तो आप चैप्टर 3 तक तो जान ही रहे होंगे। हार्डवेयर क्या होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर आर द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर हार्डवेयर एक क्या होती है, पार्ट होता है कंप्यूटर का, क्या होता है, पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विच यू आर एबल टू टच, इसको हम लोग टच कर सकते हैं और सी कर सकते हैं। सी मतलब देखना, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो पार्ट क्या होता है, हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। जो ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट, जैसे हम लोग क्या हैं, डिफरेंट पार्ट से बने हैं ना, सम ऑफ देम आर विजुअल, कुछ विजुअल हैं और कुछ क्या हैं, हम लोग के अंदर हैं, इनसाइड द बॉडी विच कैन नॉट सी, जिसको हम लोग देख नहीं सकते। कुछ अंदर बॉडी पार्ट जैसे स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब हैं, बट हम लोग देख तो नहीं सकते ना, तो वो हमारी क्या है, सॉफ्टवेयर है। और जो हम लोग का ये हैंड है, ये लेग है, सो क्या है, हार्डवेयर है। और सिमिलरली इन अ कंप्यूटर वी कैन सी द पार्ट ऑफ हार्डवेयर दैट आर आउटसाइड। तो एकदम ऐसे ही क्या है, कंप्यूटर भी है जिसका आप बाहर से जो भी पार्ट देख सकते हो, वो आपका क्या है, हार्डवेयर होता है, जो भी आउटसाइड होता है, वो अटैच होता है आपके कहाँ से, सीपीयू बाई केबल। केबल से क्या होता है, अटैच होता है, जिसके जिसके घर में कंप्यूटर होगा वो देखता होगा। सम पार्ट ऑफ हार्डवेयर आर इनसाइड द सीपीयू, और कुछ पार्ट क्या होते हैं, सीपीयू के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। यू कैन ओनली सी देम व्हेन यू ओपन द सीपीयू, और उसको आप कब देख सकते हो, जब आप सीपीयू को क्या करोगे, ओपन करोगे, तो उस पार्ट को क्या कर सकते हो, देख सकते हो।
देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइस, स्पेशल टाइप की हार्डवेयर डिवाइस होती है दैट आर यूज इन इनपुट वर्ड्स, जो इनपुट्स वर्ड हो गए, नंबर और पिक्चर्स हो गए, ये सब क्या है एक तरह से क्या है हार्डवेयर डिवाइस है इनपुट्स वर्ड में, तो उसको क्या बोलते हैं इनपुट डिवाइस, दीज आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। और जो कीबोर्ड से होते हैं माउस आर द कॉमन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड और माउस के इनपुट डिवाइस है क्योंकि उसकी वजह से क्या करते हो आप कोई भी चीज़ एंटर करते हो ना, तो टू टाइप्स के हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे इनपुट वर्ड हो गया और नंबर ऑफ पिक्चर्स हो गया, ये सब क्या है एक तरह से इनपुट डिवाइस है ठीक। और हमारा इनपुट डिवाइस क्या है कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, ये भी हमारी क्या है इनपुट डिवाइस है। कैन अ कंप्यूटर रन विदाउट हार्डवेयर, तो क्या कंप्यूटर विदाउट हार्डवेयर रन कर सकता है? डू यू नो देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ कंप्यूटर विदाउट हार्डवेयर, विदाउट हार्डवेयर कंप्यूटर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो रह ही नहीं सकता। जैसे हम लोग अगर इंटरनल पार्ट हम लोग के अंदर ना हो तो क्या आप लोग रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। तो आप वैसे ही हार्डवेयर के बिना भी नहीं रह सकते। ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर एट लीस्ट डिस्क ड्राइव, हर सिस्टम के लिए डिस्क ड्राइव जरूरी होता है, जिसको हार्ड ड्राइव बोलते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन सब के बिना एक पार्ट है ना, जैसे हम लोग का फेस हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, लेग हो गया, ये सब क्या है हार्ड डिस्क टाइप है काम करती है। मेमोरी जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, जिसमें द मदर बोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, पावर सप्लाई हो गया, SMPS और वीडियो कार्ड इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली। तो ये सब क्या है एक इन सब से मिलके क्या बनता है हमारा कंप्यूटर। इफ़ एनी ऑफ दिस डिवाइस इज़ मिसिंग, इसमें से कोई भी चीज़ अगर मिसिंग होगी तो आप क्या कहोगे एरर हो जाएगा, आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, वो स्टार्ट ही नहीं होगा, कंप्यूटर क्या होगा स्टार्ट नहीं होगा आपका। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपकी नहीं रहेगी तो क्या होगा आपका सिस्टम क्या होगा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हर सबका अलग अलग फंक्शन होता है, सब अलग अलग काम करते हैं, तो सबका काम अलग अलग होगा ना, इसी वजह से वो वर्क करेंगे। अगर हम अगर अदर हार्ड डिवाइस ऐड कर ले, जैसे डिस्क ड्राइव हो गई, CD और DVD, मॉडेम, प्रिंसिपल ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर, तो ये सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर इसको आप एडिशनल ना भी लगाओ, इट दे गिव द कंप्यूटर एडिशनल कैपेबिलिटी, ये सब अगर ना भी लगाओ तो भी वर्क करेगा वो। ये एडिशनल हम लोग ऐड करते हैं जो भी चीज़ें हम लोग को काम रखती हैं, जो भी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो भी अदर वर्क करना होता है उसके लिए हम लोग इसको लगाते हैं। ये क्या होती हैं अदर हार्ड डिस्क होती हैं, डिस्क ड्राइव होती हैं हार्डवेयर, उसको हम लोग ऐड करते हैं कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए। तो चलिए कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं जो आते हैं, जैसे वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है? दिस इज वेब कैमरा। अब वेब कैमरा इज़ यूज टू व्यू इमेज, वेब कैमरा का यूज़ क्या होता है इमेजेस को देखने के लिए वहाँ पे स्क्रीन पे। इसकी हेल्प से हम इंटरनेट से आप वी कैन सी फार अवे पर्सन, कोई बहुत ही भी दूर हो तो आप वीडियो कॉलिंग करते हो ना, सेम एज इट इज़ कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई आपसे बहुत दूर है तो आप उससे क्या कर सकते हो कनेक्ट हो सकते हो इस कैमरे के हेल्प से। बट ही शुड ऑल्सो हैव अ वेब कैमरा। अब वेब कैमरा लाइक अ डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा जो होता है एक तरह से डिजिटल कैमरा की तरह होता है, जिसको हम लोग इनपुट डिवाइस की तरह एडिंग टू द कंप्यूटर में ऐड करते हैं एक इनपुट डिवाइस की तरह इसका यूज़ करने के लिए ठीक। तो इससे क्या करते हो आप इस कैमरे की वजह से क्या होते हो एक दूसरे को देख सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, इसलिए इसका यूज़ होता है वेब कैमरे का। ये एडिशनल होता है, और कुछ में तो लैपटॉप वैपटॉप में तो कैमरे ऑल पहले से ही होते हैं, तो वैसे आप देख सकते हो। जॉयस्टिक ये भी एक तरह से क्या है इनपुट डिवाइस है जो ऐड होती है, जैसे एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जॉयस्टिक, उसको हम मूव करने के लिए पॉइंटर को स्क्रीन पे जो पॉइंटर होता है उससे मतलब वीडियो गेम खेलते समय उसके यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो स्क्रीन से ईजिली मूव
करें। उससे क्या, जब हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं क्या करते हैं, उससे क्या होता है, बैटर कंट्रोल होता है। जॉयस्टिक की हेल्प से हम लोग अच्छे से क्या करते हैं, खेल लेते हैं। माइक्रोफोन क्या होता है, देखा होगा आप लोगों ने, स्कूलों में भी यूज़ होता है। इसका क्या यूज़ होता है, टू यूज़ टू रिकॉर्ड एनी वॉइस और साउंड इनटू कंप्यूटर। इससे आप कोई भी साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है एक तरह से। जो आप लोग धीमे से बोलेंगे वो बहुत ही लाउड एरिया को कवर करके वो साउंड को सुनाता है। इसका ये भी यूज़ होता है, ठीक है। लाइट पेन क्या होता है, एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है। ये एक तरह से माउस का काम करता है, माउस की तरह दिखता है। इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कुछ भी चीज़ें राइट करने के लिए, या ड्रॉ करने के लिए, कोई फिगर हो गया कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसका यूज़ करके आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब एक तरह से माउस की तरह काम करता है, इसका माउस की तरह रहता है। से आप माउस का यूज़ करके कर्सर से कोई चीज़ करते हो तो उससे हो गया, लेकिन ये डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसका यूज़ करके आप कोई भी चीज़ स्क्रीन पे क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो, या फिर कोई चीज़ ड्रॉ करनी हुई तो ड्रॉ कर सकते हो लाइट पेन का यूज़ करके। तो ये लाइट पेन ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। ट्रैक बॉल एक, ये भी अल्टरनेटिव टू अ माउस है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक बॉल का ये क्या होता है, एक इंस्टीड ऑफ हैविंग अ बॉल एट द बॉटम, इट हैज़ अ बॉल ऑन टॉप। मतलब एक बॉल क्या होता है, एक बॉल टॉप पे होगी और एक बॉल बॉटम पे होगी। यूज़र रोल दिस बॉल विथ हिज फिंगर टू मूव द पॉइंटर। इससे आप लोगों ने वो देखा है, माउस के बीच में जो बटन होता है वो भी आप ऐसे स्क्रॉल करके उसको नीचे की तरफ पुश करते हो, वो भी एक तरह से फिंगर का करके उस पॉइंटर को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ये क्या करते हो, इट कैन बी प्लेस्ड ऑन एनी टाइप ऑफ सरफेस इंक्लूड योर लैप। तो इसको आप कहीं पे भी, कोई भी टाइप का सरफेस वहाँ रख सकते हो, योर लैप की जगह भी। तो इस तरीके से ये भी एक तरह से क्या है, अल्टरनेटिव जो माउस है, मतलब एक तरह से दूसरा नाम माउस का, उसको भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, वर्ड को रीड कर लेता है, पिक्चर और नंबर जो भी प्रिंट होते हैं पेपर्स पे वो, और चेंज देम इनटू अ फॉर्म द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो ये चेंज कर देता है, जिससे क्या होगा, कंप्यूटर ईजिली क्या कर सके, उसको अंडरस्टैंड, उसको समझ सके। तो इस तरीके का होता है स्कैनर, जिससे आप कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को निकाल सकते हो स्कैनर की हेल्प से। तो वो होता है, क्या होता है, एक तरह की इमेजेस को कन्वर्ट कर देता है, जिसकी हेल्प से आप कर सकते हो, कंप्यूटर ईजिली क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, तो वो चेंज कर देता है। अब अभी हम लोगों ने केवल इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ते हैं, नाउ वी विल रीड अबाउट द आउटपुट डिवाइस। हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइस। अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, इनपुट डिवाइस के, अब चलिए आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। जो डिवाइस होती है, डिस्प्ले होती है इंफॉर्मेशन, आर्कड आउटपुट डिवाइस, ये ऐसी डिवाइस होती है जो इंफॉर्मेशन दिखाती है, डिस्प्ले कराती है, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले आपका स्पीकर होता है। स्पीकर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, जिसको स्पीकर क्या कर सकता है, आप लिसन टू द साउंड एंड म्यूज़िक प्लेड ऑन द कंप्यूटर। इसकी हेल्प से जो भी साउंड, जो भी म्यूज़िक बज रहा है कंप्यूटर में, उसको क्या कर सकते हो, आप लोग सुन सकते हो। स्पीकर का देखा है ना आप लोगों ने यूज़, स्पीकर से आप कोई भी लाउड साउंड सुन सकते हो, कोई भी म्यूज़िक बज रहा है उसको सुन सकते हो, या एनी चीज, मतलब सुनने वाली चीज़ जितनी भी होगी वो आप प्ले करके कह सकते हो, स्पीकर की हेल्प से सुन सकते हो। ये क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, इसको आप लोग अटैच करते हो। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक तरह से इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन ऑन टू पेपर, एक डिवाइस होती है जो इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, प्रिंट करता है
कंप्यूटर की जो स्क्रीन पर रहती है इंफॉर्मेशन, उसको क्या करता है, पेपर पर प्रिंट करता है। क्या करता है, प्रिंटर डिवाइस होती है, एक तरह से इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर देती है। कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जो स्क्रीन पर दिखती है उसको एक पेपर में प्रिंट करना भी करती है, वही क्या होता है आपका, प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्या है, प्लॉटर। प्लॉटर ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, एक तरह से पेन है, एक तरह से इट इज़ अ पेन बेस्ड आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर एक पेन बेस्ड आउटपुट डिवाइस है जो अटैच है कहाँ से, आपके कंप्यूटर से, जो क्या करता है, प्रिंटिंग क्या करता है, पिक्चर बाय अ सीरीज और स्ट्रेट लाइन। एक तरह से प्रिंटर क्या करता है, ये प्रिंटिंग करता है पिक्चर को एक सीरीज में और एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये होता है प्लॉटर का काम, ये इमेजेस को प्रिंट करता है अच्छे से अच्छे तरीके से। तो प्लॉटर का ये वर्क होता है। ये भी क्या होता है, एक पेन लाइक डिवाइस होती है, पेन बेस्ड, इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है, एक प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को बोलता है कि उसको क्या करना है और कैसे करना है, जो एक तरह से उसको इंस्ट्रक्शन पास आउट करता है, वही क्या होता है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है। जैसे सॉफ्टवेयर एक जनरल टर्म में कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। जनरल अगर ऐसे आपसे पूछे तो वो क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ द प्लान स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू हाउ टू डू। एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ये, जो पहले से प्लान्ड होता है, जिसको स्टेप बाय स्टेप उसमें इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, सेट होते हैं कि कंप्यूटर आपका डायरेक्ट कैसे वर्क करेगा, क्या करेगा और कैसे करेगा, ये चीज़ बेस्ड होता है सॉफ्टवेयर में। ये क्या होता है, इट टर्न द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन दैट मेक्स अ कंप्यूटर यूजफुल। ये क्या करता है, जो डाटाज होते हैं उनको क्या कर सकता है, उसको इंफॉर्मेशन में क्या कर सकता है, बनाता है, जो कि कंप्यूटर के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है एंड कहीं ना कहीं हम लोग के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होता है। वो एक तरह से कन्वर्ट कर देता है डाटा को, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है। कैन अ कंप्यूटर रन विदाउट सॉफ्टवेयर, क्या आप सोच सकते हो कि विदाउट सॉफ्टवेयर क्या हमारा कंप्यूटर रन कर सकता है। इट मोस्ट सिचुएशन यस, बहुत से सिचुएशन में ऐसा है कि बिना विदाउट सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, वो कंप्यूटर वर्क कर सकता है। कंप्यूटर कैन रन विदाउट सॉफ्टवेयर बींग इंस्टॉल, जब तक आप सॉफ्टवेयर ना इंस्टॉल करो तब तक वो वर्क कर सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरप्रेटर नॉट फाउंड ऑन द कंप्यूटर। लेकिन जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जो इंटरप्रेटर होता है वो आपको कंप्यूटर में नहीं मिलेगा। आइदर जनरेट एन एरर, वो क्या कर देगा, आपको एरर बताएगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम, इंस्टॉलिंग एडिशनल प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर आफ्टर इंस्टॉलेशन। अगर आपको कुछ अदर प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो वो एबिलिटी लगेगा, जो विच विल ओनली गिव एडिशनल एबिलिटी टू दैट कंप्यूटर। तब उसके अंदर एक तरह से कैपेबिलिटी होगी कि वो अदर ऐप को इंस्टॉल कर सके, अदर वर्क आप उससे कर सकते हो। जब तक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक आप कोई वर्क कर नहीं सकते हो, यूज़फुल काम आप कर नहीं सकते हो विदाउट उसके हेल्प से। जैसे एग्जांपल हो गया, ए वर्ड प्रोसेसर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जैसे एग्जांपल में ए वर्ड प्रोसेसर जो होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट बट विल अलाउ यू टू क्रिएट डॉक्यूमेंट एंड लेटर। लेकिन वो क्या करता है, एक तरह से परमिशन देता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना सको, कोई भी लेटर बना सको। तो इस तरह से वो नेसेसरी होता है ना, मतलब वर्क तो कर लोगे ऐसे ही कुछ भी, लेकिन वो ऐसे नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो उसके बारे में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन एंड यूज द म्यूज़िक सिस्टम, हम लोगों ने म्यूज़िक सिस्टम तो देखा है और यूज़ भी किया है। ऑल द पार्ट लाइक स्पीकर कैसेट्स टेप एक्सेट्रा, जैसे पार्ट जैसे हो गया स्पीकर हो गया, कैसेट्स हो गया, टेप्स हो गया, ये सब बहुत ढेर सारे हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और सी कर सकते हैं। ये क्या है, एक तरह का हार्डवेयर है,
इसको आप लोग टच कर सकते हो, देख सकते हो, एक तरह से हार्डवेयर है। लेकिन यू कैन सी द सॉन्ग रिकॉर्ड ऑन द टेप, लेकिन जो सॉन्ग रिकॉर्ड है टेप के अंदर, क्या उसको आप देख सकते हो? नो, नहीं देख सकते ना। तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। जो इसके अंदर का मटेरियल है वो क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक ऐसा पार्ट होता है जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे एक सीजी हार्डवेयर है, बट सॉन्ग और मूवीज उसके अंदर स्टोर्ड है, तो उसको आप लोग नहीं देख सकते। वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू डू अ प्रैक्टिकल वर्क और सॉफ्टवेयर। जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं कोई पर्टिकुलर वर्क करने के लिए, उसको क्या होता है? एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वुड बी यूजलेस। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एकदम ही बिना कोई काम का है, उसका कोई भी वर्क नहीं है। जैसे हम लोग पीछे जाते हैं, लेट अस गो बैक द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप आर डन बाय सॉफ्टवेयर, तो देखते हैं कौन कौन से स्टेप डन होते हैं। जैसे क्या होता है? इनपुट, इनपुट कौन होता है? कीबोर्ड माउस हो गया, ये सेंस हो गया। सीपीयू में गया, वो प्रोसेस हुआ, फिर आपको क्या निकला? मॉनिटर, वीडियो कार्ड और प्रिंटर, ये उसकी मसल्स हो गई। सेंसेस कौन से हो गए? कीबोर्ड माउस, उससे आपने जाना कि आपको करना क्या है। प्रोसेस हुआ हमारे सीपीयू में, ब्रेन में ये चीज़ प्रोसेस हुई। फिर क्या होगा? ये मॉनिटर वीडियो कार्ड जो है ये क्या हो गया? एक तरह से मसल्स हो गए, जैसे ये आप लोग इसमें सीन कर रहे हो। तो ये एक तरह से नेटवर्क हो गया कन्वर्सेशन का। डायरेक्ट मॉनिटर ने वर्क किया, इनपुट इनपुट, ऐसे 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 प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो इस तरह से क्या होता है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। विदाउट सॉफ्टवेयर यूजलेस है, और विदाउट हार्डवेयर कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने पढ़ा। इसके आगे कंटिन्यू करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। ओके, सो अभी के लिए आप लोग ये वर्क दे दूँगी मैं, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। MPS 53। थैंक यू।